मदर टेरेसा का सम्मान हुआ, अच्छा लगा। अनिल विश्वकर्मा जी को इतना सम्मान पूरी जिंदगी, विजय विश्वकर्मा जी को इतना सम्मान पूरी जिंदगी में नसीब न हुआ होगा जितना आज इनको हुआ है। मतलब ये चकिया के राजपाल यादव हैं भगवान कसम, बिल्कुल सेम वही कद वही चाल ढाल एकदम बढ़िया। आज तो पैर भी छू लिए गए हैं, आज तो कवि सम्मेलन का पूरा खर्चा विश्वकर्मा जी दे सकते हैं। भगवान ऐसा सम्मान इनको बार बार मिलता रहे। हाँ नहीं तो घर पे तो जो हश्र इनके साथ होता है पूरा चकियां जानते हैं, नहीं कद बढ़ न जाता इनका। हाय दोस्तों आगे चलते हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा वातावरण, कितने दिनों बाद ऐसा वातावरण देखने को मिला है, अच्छा लग रहा है। आइए, मैं कह रहा था कि वो कवि सम्मेलन में जिन्हें बहुत कम वक्त हुआ है आए हुए, लेकिन उनकी कोकिल कंठी आवाज, वो जिसने उड़ने के लिए आपके चकिया का आकाश चुना है, प्रीति अनिल पांडे लखनऊ से हमारे बीच में हैं। आपकी तालियां जितनी ज़्यादा होंगी, प्रतापगढ़ से हैं, जितनी तालियां आपकी आएंगी उतना ही उनके उत्साह को बल मिलेगा। बस एक बार दोनों हाथ उठा करके आकाश भर तालियां दे करके बुलाइए प्रीति अनिल पांडे। माँ वाग्देवी वसुधा के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। मंचासीन सभी कवियों को प्रणाम करती हूँ। पहली बार आप सभी के समक्ष आई हूँ चकिया धाम में, तो आप सभी सुधी श्रोताओं को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। विशेष धन्यवाद दूंगी प्रेम दादा को, जिनकी आशीर्वाद और जिनके सहयोग के फलस्वरूप आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इनका भी बड़ा आशीर्वाद रहा। और आते समय बाबा का दर्शन करते हुए आई हूँ, तो एक छंद निवेदित करती हूँ और वहीं से अपने काव्य पाठ की शुरुआत करती हूँ। आप सभी का स्नेह चाहूँगी। जैसा कि अभी आप सबने देखा है कि बनारस की छटा की बात ही निराली है, बहुत शानदार। और भैया भी कल गए थे, बहुत सारी हम लोगों ने चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें देखी। तो मैं चार पंक्तियाँ बाबा के चरणों में निवेदित करती हूँ। स्वागत। सत्य शिव सुंदर हमारे भोलेनाथ जी हैं, नाथों के भी नाथ देखो काशी में विराजे हैं। सत्य शिव सुंदर हमारे भोलेनाथ जी हैं, नाथों के भी नाथ देखो काशी में विराजे हैं। गंगा को जटा में और मस्तक पे चंद्र धारे, डमरू त्रिशूल हाथ काशी में विराजे हैं। गंगा को जटा में और मस्तक पे चंद्र धारे, डमरू त्रिशूल हाथ काशी में विराजे हैं। और हर हर बम बम गूंज रहा चारों ओर, हर हर बम बम गूंज रहा चारों ओर, दुनिया झुकाती माथ काशी में विराजे हैं, दुनिया झुकाती माथ काशी में विराजे हैं। और कालों के भी काल महाकाल शिव भोला मेरे, कालों के भी काल महाकाल शिव भोला मेरे, गौरी व गणेश साथ काशी में विराजे हैं। बहुत बढ़िया। कालों के भी काल महाकाल शिव भोला मेरे, गौरी व गणेश साथ काशी में विराजे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भैया ने राम पर बहुत अच्छी पंक्तियां पढ़ी, मैं पुनः इनको प्रणाम करती हूँ। और चार पंक्तियां मुझे किंचन ने जैसे प्रभु ने लिखवाई, जैसे माँ शारदा की कृपा हुई, चार पंक्तियां मैं भी प्रभु के चरणों में निवेदित करती हूँ। हृदय की पीर हरने के लिए निष्काम आए हैं, हृदय की पीर हरने के लिए निष्काम आए हैं। कृपा करके अकिंचन पर हमारे धाम आए हैं, कृपा करके अकिंचन पर हमारे धाम आए हैं। रखे हैं प्रेम से कुछ भक्ति वाले देर आंचल में, रखे हैं प्रेम से कुछ भक्ति वाले
हमारे पुण्य जागे है प्रभु श्री राम आए है, हमारे पुण्य जागे है प्रभु श्री राम आए है। स्वागत। अब आप सभी को अपनी विधा की तरफ ले चलती हूँ। श्रृंगार रस की कवित्री हूँ, श्रृंगार से जोड़ती हूँ। माताएं बैठी हैं, आप सबको भी प्रणाम करती हूँ और चार पंक्तें इनको निवेदित करके अपनी मूल विधा पे आती हूँ। देखिए, माताओं का स्वरूप क्या होता है। बहुत से लोगों ने बहुत सारे व्यंग किए, लेकिन चार पंक्तियां मैं मंचासीन अपनी दीदी और समस्त माताओं को समर्पित करती हूँ कि एक महिला होती क्या है। जब आप प्रेम से उसके साथ जुड़ते हैं तब उसका क्या स्वरूप होता है, और जब आप विपक्ष में होकर उससे जुड़ते हैं तब क्या स्वरूप होता है उसका। स्वागत। हम आरती का दीप जलाना नहीं भूले, मीरा के मजीरों को बजाना नहीं भूले। हम आरती का दीप जलाना नहीं भूले, मीरा के मजीरों को बजाना नहीं भूले। दिल में है प्रीति युद्ध में झांसी की रानी हम, दिल में है प्रीति युद्ध में झांसी की रानी हम। तलवार दुश्मनों पे चलाना नहीं भूले, तलवार दुश्मनों पे चलाना नहीं भूले। बढ़िया। और चार पंक्तियां श्रृंगार के आप सबके समक्ष रखती हूँ, फिर छोटे छोटे मुक्तक, उसके बाद गीत, फिर जैसा आदेश होगा। स्वागत। चार पंक्तियां रखती हूँ। जब कोई नायक नायिका से प्रेम करता है और प्रेम के बाद उदासीन हो जाता है तो नायिका कैसे याद दिलाती है, चार पंक्तियां। गीतों में गजलों में तुमको गाऊं क्या, गीतों में, गीतों में गजलों में तुमको गाऊं क्या। प्यार है कितना तुमसे ये बतलाऊं क्या, प्यार है कितना तुमसे ये बतलाऊं क्या। और मुझे जगा कर सोने वाले सुन लो तुम, मुझे जगा कर सोने वाले सुन लो तुम। सपनों में पायल छनकाती आऊं, सपनों में पायल छनकाती आऊं क्या, सपनों में पायल छनकाती आऊं क्या। और चार पंक्तियां और निवेदित करती हूँ। तुम अपनी दिल की दुनिया में मुझे आबाद कर लेना। बढ़िया। तुम अपनी दिल की दुनिया में मुझे आबाद कर लेना। अकेला पन सताए तो प्रणय संवाद कर लेना, अकेला पन सताए तो प्रणय संवाद कर लेना। मुझे महसूस कर लेना महकता फूल जब देखो, मुझे महसूस कर लेना महकता फूल जब देखो। चमकता चांद जब देखो मुझे तुम याद कर लेना, चमकता चांद जब देखो मुझे तुम याद कर लेना।